नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज के साथ। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में सीएम योगी आज 7 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था त्योहारों को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक सीएम के द्वारा की जानी है, क्योंकि बकरा ईद, कांवड़ यात्रा, सावन मेला के संबंध में ये समीक्षा बैठक होगी। तमाम जो त्यौहार है वो नजदीक है, इसी को लेकर किसी अप्रिय घटना न घटे और किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए, सभी मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, सीपी, आईजी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कानून व्यवस्था, त्योहारों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि त्योहार अब सर पर है और उसी को लेकर अब जाहिर सी बात है प्रदेश में जो माहौल है वो सौहार्द रहे, इसी को लेकर अब मीटिंग जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की आज होनी है। लगभग 7 बजे इसका समय निर्धारित है, शाम 7 बजे। तमाम जो मंडलायुक्त हैं, जिसमें डीएम शामिल होंगे, एडीजी शामिल होंगे, सीपी और आईजी शामिल होंगे, सभी मंडल के डीएम, एडीजी, सीपी और आईजी इसमें शिरकत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं, बकरा ईद सामने है, कांवड़ यात्रा है, सावन मेला है, उसके संबंध में ये समीक्षा बैठक किए जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 7 बजे समीक्षा बैठक का कार्यक्रम करेंगे। तमाम मंडलायुक्त के डीएम, एडीजी, सीपी और आईजी इसमें शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा हर एक गतिविधि पर खुद पैनी नजर रखते हैं और इसी के मद्देनजर आज आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। प्रदेश में किस तरीके से जो माहौल है वो कायम रहे, जो सौहार्द का माहौल है वो कायम रहे, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से है, उसी को लेकर अब यहाँ पर मंडलायुक्त की बैठक आज की जानी है, जिसमें तमाम डीएम, एडीजी, सीपी, आईजी शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें आज की दिन जो है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 7 बजे मंडलायुक्तों की बैठक होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश में किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि त्यौहार अब सामने है, नजदीक है और त्योहारों के मद्देनजर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे और इसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चूंकि आपको याद होगा पिछले ही कुछ दिनों की बात है, जिसमें कानपुर हिंसा, वाराणसी हिंसा और प्रदेश के कई ऐसे जगह थी जो कि इस वक्त झुलसे थे और कहीं ना कहीं उत्पात की खबरें सामने आई थी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आए थे। अब तो चूंकि साफ तौर पर त्यौहार सर पर है और इसी को लेकर अब तमाम एडीजी, डीएम, सीपी, आईजी इसमें शामिल होंगे इस बैठक में। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। पंकज, आज 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम मंडलायुक्तों के साथ बैठक करेंगे, क्या उनका मोटिव रहेगा, किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई कार्यक्रम है, जिसमें कि सुबह सुबह 9:30 बजे करीब सिविल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उनको माल्यार्पण करेंगे और वहां पर मीडिया से भी वार्तालाप करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात करें शाम की, तो शाम को 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडीजी, सीपी और मंडलायुक्त और उसके बाद सभी जिलों के डीएम, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी और कानून व्यवस्था पर सबसे महत्वपूर्ण है कि कानून व्यवस्था पर इसमें चर्चा होगी। आने वाले दिनों में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण है कि ये बैठक, उसी को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें कि कानून व्यवस्था को देखी जाएगी। जो कांवड़ यात्रा है उसमें कोई दिक्कत ना सामना करना पड़े, उसको सही तरीके से किया जा सके। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम सारे मामले देखने को मिलते हैं, हर बार कोई ना कोई दिक्कत आती है। उसी के जद में बकरी ईद में भी कोई इस तरह से घटना ना हो सके जिससे कि देश प्रदेश का माहौल में कोई असर पड़े। जिस तरह से देख रहे हैं कि साजिश के तहत, जिस तरह से नुक्कड़ शर्मा मामले में साजिश के तहत तमाम प्रदेश में आग झुलसने के प्रयास जो किए हैं, उसका तमाम सारे घटना के जो प्रयास किए, तो कहीं ना कहीं
ये सारी चीजों को बिल्कुल जिस तरीके से पंकज हम कह सकते हैं पिछले दिनों प्रदेश का सौहार्दपूर्ण माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आए थे। और यूं कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबी यह है कि हर एक बिंदु पर, हर एक खबर पर और कहें कि हर एक मुद्दे पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं कि किसी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो। चूंकि अब जिस तरीके से त्योहार नजदीक है और सीएम मंडलायुक्तों की बैठक ले रहे हैं इस बात की तस्दीक ही करता है। देखिए जाहिर सी बात है जिस तरह से माहौल चल रहा है लगातार एनआईए और तमाम सारी एजेंसियां एक्टिव है, जांच भी करी तमाम मामलों पर, तो उसी को जब मैं देखते हुए कि जो कांवड़ यात्रा पे इस तरह की कोई मामले सामने ना आए, ना बकरीद पे इस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं सारे अगर कोई प्लानिंग की जा रही तो सभी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए सभी एडीजी और मंडलायुक्त और सभी जिलों के डीएम और कप्तान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे, उसको चर्चा करेंगे कि जो कांवड़ यात्रा है उसके उसको किस तरह से निकाला जाए, उसमें किस तरह से सावधानियां बरती जाए, उसमें फोर्स कैसे लगाया जाए, उसमें किस तरह से रास्ते दिए जाए। तो उसी तरह बकरीद को लेकर भी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ सख्त है कि उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाए और उसके बाद बकरीद में भी कुछ तरह से कोई घटना ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को लेकर, ये कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। चलिए पंकज इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बीच आपको